हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग आज जा रहे हैं अपनी मामी सास के यहाँ पे, उनके यहाँ पे। जब हम श्राद्ध स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले जो पूजा की जाती है ना, वो पूजा है, उसको चौकपटा बोलते हैं, तो वही है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ की सड़कें इतनी बढ़िया वाली हैं, एकदम से पता नहीं चल रहा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। चलो जो भी है, तो आज का दिन हम वहीं पे, मतलब पूनम है आज के दिन, तो मामा का पहला श्राद्ध है और ये दूसरे दिन की वीडियो है। इस आज के दिन हमारे बाबा ससुर और बड़े उनके पापा दो जन का श्राद्ध होता है। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ छाछ के आलू। इतने सालों में पहली बार हमारे यहाँ खीर के साथ छाछ के आलू बन रहे हैं। वो भी ऐसा है क्योंकि 8 दिन जैसे हो गए हैं तब से हम रोज़ पूड़ी सब्जी चिकना ऐसा ही सब खा रहे हैं, क्योंकि गणपति थे तो कभी कथा से स्टार्ट हुआ, फिर वो गए उस दिन, फिर मामा के यहाँ, मतलब बहुत पूड़ी खा खा के बोर हो गए थे। तो मुँह का स्वाद थोड़ा चेंज करना था, तो मम्मी ने बोला था कि हम लोग खीर नहीं खाएँगे, तो छाछ के आलू तो आज बनेंगे ही। बहुत चिकना और मसाले वाला खा खा के वो थक गए हैं। और यहाँ पे बन रही है खीर साइड में, वो तो बनती रहेगी, तब तक इस साइड हमारी सारी सब्जियाँ बन जाएंगी, तो उधर अकेले खीर बनेगी। तो और मैंने इसमें पानी डाल के पहले उबाल लिया था। चलो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था जीरा, करी पत्ता, थोड़ी सी हींग और हरी मिर्च, फिर डाले थे उबले हुए आलू। आलू को आप मैश करके भी डाल सकते हो, पीसेस भी डाल सकते हो, तो मैं दोनों तरह से डालती हूँ। मैश करने से थोड़ी थिकनेस आ जाती है। और फिर थोड़ा सा पानी और वही मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जैसा तीखा खाते उस तरह से पानी डालती हूँ। पानी थोड़ा बॉयल हो जाता है, फिर मैं छाछ डालती हूँ। छाछ भी अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो खट्टी छाछ यूज़ करो, और अगर कम तो नॉर्मल, और उसमें भी पानी डाल सकते हो और नहीं भी डालो, जो वही अपने स्वाद के ऊपर है। दही के भी बनते हैं सेम वही इसी प्रोसेस से, दही को फेंट करके डालो, पर वो फिर गाढ़ा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है। कढ़ी और ये छाछ के आलू एक ही जैसे लगते हैं, तो हमको थोड़ा पतला चाहिए था, क्योंकि ये खाए कम पिए ज़्यादा जाते हैं, जिससे मुँह है ना एकदम साफ हो जाता है, जो चिकना चिकना हो जाता है ना खाते खाते, पूड़ियाँ खाते एकदम मुँह का स्वाद अलग ही हो जाता है, तो उसके लिए है। अब मैं इसको चलाती रहूँगी। मैं देख रही थी कि बॉयल आ गया है, तो अभी बस हल्का ही हल्का आने वाला है, तब तक इसको चलाएंगे, फिर ये अपने आप पकते रहेंगे। और बस यहीं से मेरे काम स्टार्ट हो गए। मैंने जल्दी पहले सारी सब्जियां बनाई थी, खीर और आटा लगा दिया था, भिंडी, आलू, छाछ के आलू और सूखे आलू बने थे, और पूड़ी, कचौड़ी, खीर, बस यही मेनू होता है। श्राद्ध में खीर तो कंपलसरी होती है। तो आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और अब ये पकते रहेंगे, तब तक मैं जो दूसरे काम होंगे छोटे मोटे वो कर लूँगी, क्योंकि घर में कुछ भी खाना पीना, भले अभी तो खाली 2 जन ही आएंगे बाहर से पंडित जी, और नवमी के दिन होता है तब थोड़ा ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि इसमें कितना पानी चाहिए, पहले डाल दिया था, और फिर पकते पकते भी थोड़ा कम हो जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ रसा चाहिए, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वो तो अपने स्वाद के ऊपर है। तो वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट भी कर दिया करें, और देख के है ना चले मत जाया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर उतने के उतने ही हैं, कम ही होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों 92 पे आके अटक गए हैं। 93 होते हैं, जैसे ही 93 होते हैं वैसे ही 92 हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कब से हैं, बहुत टाइम से। अगर जितने कम हुए हैं ना उतने अगर हो गए होते तभी तो 100 के ऊपर पहुंच गए होते। तो अब मैं यहाँ पे कचौड़ी का के लिए दाल, जो मैंने उड़द दाल भिगाई थी, उसको पीसने जा रही हूँ। तो मैंने सारे मसाले जार में डाल दिए, तो उसके साथ ही पहले पीस लूँगी, फिर उसको भी सेक के रख लूँगी, और साइड के जो काम है वो होते जा रहे हैं। यहाँ पे खीर तो पकी रही है, और ये भिंडी रात को ही काट ली थी, प्याज और हरी मिर्च मम्मी ने काटी, और ये मेरी दाल भी सिक गई है। मम्मी ने बोला था आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि श्राद्ध है तो एक आध चीज़ में मेरा हाथ भी लगना चाहिए। और यहाँ पे मैं भिंडी छौंक चुकी हूँ,
भिंडी भी मैं अजवाइन और हरी मिर्च और प्याज से ही छौंकती हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं डालती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे ये प्याज अच्छे से पक जाए। और मैं हरी मिर्ची डालती, लाल मिर्च और हल्दी ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ। और बस ऐसे ही मेरी भिंडी बनती है। आप लोग कैसे बनाते हो बताना। अब मैं ना बाबा की फ़ोटो को नीचे यहाँ टेबल पे रख दिया है और इनके लिए दिया बत्ती, जो भी दिया जलाऊंगी, धूप बत्ती, वो सब थाली तैयार करके रख दिए। और ये देखिए धैर सोमू, इनको है ना ज़रा सा भी टाइम मिलता है ना तो सोमू टैब लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ सब्जी ली थी वो सब रखी है कुर्सी पे। अपने पास कितनी भी जगह हो ना, और जब भी कुछ ऐसा काम हो ना तो पूरा घर कैसा फैल जाता है, मेरा तो हो जाता है। किचन भी लोगों के पता नहीं कैसे छोटे छोटे किचन होते हैं फिर भी उनका है ना दो फैलते नहीं, हमारा तो जितना बड़ा है ना उतना ही ज़्यादा फैलता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे दादा का भोग भी लगा दिया है और ये भिंडी, छास के आलू, सूखे आलू, खीर, पूड़ी, पापड़, कचौड़ी सब कुछ है। दिया जला दिया था, दिया है ना बुझ गया है, हवा भी चल रही है, धूप बत्ती काफ़ी जल चुकी है, ये टाइम हो गया है भोग लगाए हुए काफ़ी देर। और फिर मैं है ना पहले ऊपर मम्मी इनकी 11 पूरियां बनाती हैं उसमें घी, बूरा और खीर मिला के ऊपर रख के आती हूँ। और यहाँ पे देखिए ताऊ खा रहे हैं, और हमारे पड़ोस में ही रहते हैं ये ताऊ, तो इनका खाना पीना था आज। और एक पापा के फ्रेंड आएंगे वो हैं, मैंने धैर को बोला था, मैंने कहा धैर तुम है ना वीडियो बना के लाना, तो ये ताऊ हमेशा आते हैं। तो बस ऐसे हमारा आज का पहला श्राद्ध अच्छे से हो गया था। और फिर अभी जब भी आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, और एक दिन और होगा। और ये देखिए पापा और धैर है ना पापा को पता नहीं क्या सुना रहा था, और यहाँ पे दादू को बैठ के जोक सुना रहा है। और पापा है ना ये सिलाई मशीन सही कर रहे हैं, ये हमने है ना उससे मंगाई थी, ऑनलाइन मंगाई थी, दो तीन वापस करने के बाद भी ये तीसरी आई है, ये भी है ना अटक अटक के चलती है। तो ये ऐसी सिलाई मशीन जो मंगाना चाहते हैं वो थोड़ा सोच समझ के मंगाएं। अब मैंने कहाँ से मंगाई थी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अब जो भी है ठीक ही है, अब क्या कर सकते हैं, गलती हमारी थी कि हमने मंगा ली, ऐसी चीज़ें ऑनलाइन मंगानी ही नहीं चाहिए। तो ये कोई काम की नहीं है ऐसी मिनी सिलाई मशीन, देखने में ही अच्छी लगती है कि हाँ। और धैर्य के जोक्स चल रहे हैं और रोज़ पता नहीं कहाँ कहाँ के सुनते बोलता रहता। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम के हो रहे हैं 5:30 और बारिश आ गई है, अभी आई है 5 मिनट पहले, वीडियो में आपको दिखाया है थोड़ा सा। बारिश रोज़ आ जाती है सुबह या शाम को, मौसम अच्छा है, बहुत ठंडक हो गई है, काफ़ी ठंडक हो गई है। और सुबह सुबह तो है ना गर्म पानी से नहाने का मन होता है क्योंकि ऊपर टंकी का पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है। और आज का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, शायद डेटा ख़त्म हो गया है तो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। और मेरे चैनल पे जो न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और गणपति जी चले गए हैं, अब श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो अभी पितृपक्ष चलेंगे, फिर उसके बाद नवरात्रि, फिर अभी तो दिवाली तक त्यौहार ही त्यौहार है। और बस वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें, अच्छा लगता है। अभी तो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही थी, ज़्यादा काम में बिजी थी और तबीयत भी सही नहीं थी, आपको दिख रहा होगा शायद मेरी आँखें, तबीयत का तो अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ, कब ठीक होगी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो चलो ठीक है, मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर लेते, सुबह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो स्टार्ट ही नहीं किया था। कल हमारे यहाँ पहला श्राद्ध था तो उसका है, और आज का, अब ये 2 दिन का वीडियो जाया करेगा, उसके बीच में अगर पॉसिबल हुआ करेगा तो भले जाए, नहीं तब तो 2 दिन का ही मैं वीडियो बनाया करूँगी, डेली का नहीं हो पाता है, फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है इसकी वजह से। चलो तो फिर मिलते हैं शाम को, क्या बनाऊँगी मैं आज दोपहर में, मैंने बनाई थी इडली और चटनी नारियल की, वही खा ली क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यू सब्जी पूड़ी खीर और ये मीठा इतना खा खा के ना वो हो गया था ना,
बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, रोटी या पूड़ी खाने की नहीं इच्छा हो गई थी, तो उनका लाओ चलो हल्का बनाते हैं, तो यही बनाया था। अब शाम को बारिश हो गई है पर हैवी कुछ नहीं बनाएंगे, हल्का ही बनाएंगे, तो आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाऊंगी। रात के हो गए हैं 10:30 और हम लोग अभी KVC देख कर आए हैं। धैर्य बाहर लेटा है, इसको अंदर लेटना ही नहीं अच्छा लगता है, तो बस धैर्य ने तो बाय बोल दिया है। अब मैं भी वीडियो का भी एंड करूँगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैंने ध्यान से सुना कि इसमें ना पापा गाना जो सुन रहे थे ना फ़ोन पे, वो धीरे धीरे सुनाई दे रहा था। मैंने कहा इसमें भी फिर है ना कॉपीराइट आ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है मेरे, है ना। ज़्यादातर वीडियोज़ में हमेशा पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं। एक तो ऊपर का घर है, खुला है पूरा, तो चारों तरफ से आवाज़ें आती है, तो मुझे ज़्यादातर वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। मैं अपना जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, वो वॉइस रख ही नहीं पाती हूँ कहीं पे भी करूँ, घर में कोई भी कोना ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे वीडियो को देखते देखते व्यस्त रहें। बस यही कहना चाहूँगी, कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।